सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके, जो है JIFT एंड ICSI को समझाइए। ओके, तो JIFT का फुल फॉर्म जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, होता है। तो हम देख लेंगे कि JIFT क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे ICSI क्या है। ओके, तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एक बांझपन उपचार, ठीक है। बांझपन उपचार मतलब कि जिसके जिसकी संतान नहीं होती उसका उपचार है, जिसका उपचार तब किया जाता है जब फेलोपियन ट्यूब में रुकावट हो। ओके, इस स्थिति में अंडे का शुक्राणु में निषेचन नहीं हो पाता, यानी जो अंडा होता है वो शुक्राणु में उसका निषेचन नहीं हो पाता है। JIFT विधि में अंडाशय में से अंडे को निकालकर शुक्राणु से निषेचन हो पाता है। ओके, समझ गए। एंड आगे है, इसकी विधि क्या होती है। औसत औसत जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर चक्र को पूरा होने में 5 से 6 सप्ताह लगते हैं। सबसे पहले फीमेल यानी स्त्री को अंडाशय में अंडे के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रजनन दवा क्लोमीफीन दी जाती है, यानी जो दवा होती है प्रजनन की उसको क्या बोलते हैं, क्लोमीफीन बोलते हैं। ओके, क्लोमीफीन दी जाती है। इसके पश्चात मानव कैरियोजेनिक ग्रोनेडोट्रॉपिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी ग्रोनेडोट्रॉपिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है फीमेल को। ओके, ये हो गया क्या JIFT की विधि। इसके बाद है ISI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, तो इसमें देखेंगे यह एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, IVF जो आप नाम सुना होगा उसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, प्रक्रिया है जिसमें एक शुक्राणु कोशिका को सीधे एक अंडे के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में जो होता है उसको इंजेक्ट यानी मतलब कि उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में एक्रोसोम प्रतिक्रिया को छोड़ दिया जाता है, यानी ये जो प्रक्रिया होती है उसमें एक्रोसोम जो प्रक्रिया होती है उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि IVF में 50,000 से 1,00,000 शुक्राणु की आवश्यकता है, यानी जब जब IVF में यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 50,000 से 1,00,000 शुक्राणु की आवश्यकता उसमें होती है, क्योंकि इसमें एक्रोसोम प्रतिक्रिया होती है और कई कई हजारों शुक्राणु इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ओके, ICSI की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1991 में हुई थी, मतलब इसकी सर्वप्रथम प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम 1991 में की गई थी। ओके, सो ये क्वेश्चन होता है खत्म, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।